रामगंज के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमित आसेरी ने पुलिस उपाध्यक्ष राजवीर सिंह गौर और प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर विनय प्रकाश राय एवं भारी संख्या में पुलिस बल के साथ नगर में पैदल भ्रमण किया। साथ ही सभी नगर वासियों को जागरूक कर अपील करते हुए कहा कि 21 दिन लॉकडाउन के दौरान सभी व्यापारी दुकानदार और नगर वासी घर से बाहर न निकले। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमित आसेरी ने कहा कि दैनिक उपयोग के सामान सब्जी दूध व खाद्य सामानों को वार्ड गली व मोहल्लों में भेजा जाएगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमित आसेरी ने नगर वासियों से घरों से बाहर न निकलने की अपील करते हुए कहा कि नगर के सभी मोहल्लों में ठेले वालों के माध्यम से सब्जी दूध व सभी खाद्य सामानों की आपूर्ति निर्धारित मूल्य पर सुचारू रूप से प्रारंभ कर दी गई है। वहीं शासी अधिकारी सीमा सिंह तोमर व मंडी सचिव आशीष कुमार यादव ने सभी सब्जी व फल विक्रेताओं को उचित मूल्य पर ही फल व सब्जियां बेचने व दुकानों पर भीड़ न लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। जो प्रभावी जो लॉकडाउन है इसमें तीन चीज़ों पे हमारा फोकस है। पहली चीज़ तो ये है कि जो खाद और रसद की जो चीज़ें हैं लोगों को उसके लिए दर बदर भटकना ना पड़े, किसी को भी अपने घर से बाहर आने की कल से कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था यहाँ तैयार किया है जिससे कि किराने की जो भी आइटम्स हैं वो लोगों को अपने घरों पर व्हाट्सएप और फ़ोन पे ऑर्डर देने के जरिए से मिल जाएंगे, मुहैया करवा दी जाएंगी। इसमें हमारे व्यापार संघ जो है उन्होंने पूरा कोऑपरेशन दिया है और बहुत एक्टिव लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मुझे उम्मीद है ये एक सक्सेसफुल मॉडल बन के सामने आएगा। वाले समय में हम जनता से यही हमारी एक प्रार्थना रहेगी कि हमारा पूरा सहयोग करें, अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें और हम जितना हो सकता है उतना सब चीज़ें आप लोगों को आपके घर पर मुहैया करवाएंगे।